हमको फिजिक्स में ये समझ नहीं आता बेसिकली हम किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला पुट करें। परसेंट बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चन को देखने से उनको ये समझ नहीं आता कि इसमें करना क्या है। मैं उदाहरण के तौर पे तुमको एक बात कहता हूं कि सपोज तुम एक अच्छे इंजीनियर हो और तुम्हें बहुत बड़ा एक मॉल बनाना है, बहुत बड़ा मॉल बनाना है। अगर तुम उस पूरे मॉल को एक साथ देखते हो तो उस मॉल के अंदर तुमको सरिये दिखेंगे, उसका फाउंडेशन दिखेगा, उसकी नींव दिखेगी, उसके कंक्रीट स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, उसके अंदर के शीशे, उसके अंदर की दुकान, उसके अंदर एस्केलेटर, उसमें ये, उसमें वो, उसमें ये। तुम पागल हो जाओगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा तुम क्या करोगे। बस वही स्थिति तुम्हारे साथ भी हो रही है कि तुम भौतिक जगत को देख रहे हो और भौतिक जगत अपने आप में किसी सिंधु से कम नहीं है। मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं कि जब तुमको भौतिक क्षेत्र में ढंग से कदम रखना है, चलना है या दौड़ना भी है, तो पहले भौतिक जगत में आना सीखो। अगर आप समुद्र में डायरेक्ट कूद जाओगे ना तो डूब जाओगे। तो ठीक इसी तरह से भौतिक जगत भी है। भौतिक जगत में लगभग लगभग आपके मिलाकर मैं कहूं तो 1000-1500 फॉर्मूले हैं। वो 1000-1500 फॉर्मूले आप एक साथ देखने का प्रयास कर रहे हो, जब ही जाकर आप कंफ्यूज हो रहे हो। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन होता है कि हर चीज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। एक काम पहले करा, दूसरा काम उसके बाद, तीसरा काम उसके बाद, और धीरे धीरे कर करके मैं सबको जोड़ता हूं तो मुझे चीजें समझ में आती है। जैसे आप कोई क्वेश्चन भी करते हो तो तुम लोग अपने क्वेश्चन को एक एक स्टेप में करते हो, एक एक स्टेप को कर करके लास्ट में पूरा सॉल्यूशन तुम्हारे पास आ जाता है। यही होता है और तुम्हें समझ भी आ जाता है। तो अब बात आती है कि तुम लोग प्रैक्टिस कैसे करो ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि तुम लोगों को फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, या तुमको यह समझ में आ जाए कि तुम्हारा कंसेप्ट किस बारे में पूछ रखा है। अभी हाल ही में मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन कराया, आप देख रहे हो कि कई बच्चों को तो इसमें यही नहीं समझ आया कि मैंने इसमें फॉर्मूले कौन कौन से लगाए। ठीक है, अब फॉर्मूले लगाने से पहले मैंने इसके बारे में सोचा क्या, ये नहीं समझ आया। तो इसका सिंपल सा एकमात्र यही सॉल्यूशन है कि सबसे पहले तो आप क्या करो, सबसे पहले तो आपके पास जो भी मटेरियल है, सबसे आसान मटेरियल एनसीईआरटी को लेकर चलता हूं। एनसीईआरटी वैसे आसान नहीं है, मैं एनसीईआरटी को लेकर चल रहा हूं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, जो आपके पास है बस वो, बाहर से मत खरीदना। आपके पास एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन दोनों अपने पास रखो। आजकल गूगल पे सब कुछ मिल जाता है, ठीक है, और जितनी आराम से हो सके, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इस पे गौर देना, जितनी आराम से हो सके। मैं तो कह रहा हूं कछुए की चाल चलनी है, बहुत आराम से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसको सोचना है। लोग कहते हैं कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, नहीं, आप भौतिक जगत में आने का प्रयास कर रहे हो, पहले भौतिक जगत को जान लो, फिर उसमें घुसेंगे, फिर उसमें दौड़ेंगे और फिर उसमें उड़ेंगे। ठीक है, आप 5 मिनट लो, आराम से 5 मिनट लो, उस क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बारे में सोचो, कुछ नहीं करना, पहले सोच लो। क्या सोचोगे? मैंने तुम्हें कहा तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तो आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से अभी मिले नहीं हो, लेकिन आप उसके बारे में सोचने लग गए। मैंने तुम्हें कहा कि कोचिंग में जाना है, आप अभी गए नहीं हो, आप उसके बारे में सोचने लग गए ना। आप क्वेश्चन को पढ़ लो, सॉल्यूशन मत करो, पहले उसके बारे में सोच लो। जो भी सोचना है सोच लो, गलत सोचो, सही सोचो, कुछ भी सोचो, लेकिन सोचो, पक्का सोचो, बिना सोचे काम नहीं होगा। उसके बाद उसका सॉल्यूशन देख लो, खुद मत करो भाई, खुद मत करो, पहले देख लो। स्विमिंग करने जाते हैं तो खुद नहीं कूदते, ट्रेनर के साथ जाएं तो अच्छा लगता है, और यहां ट्रेनर तुम्हारा तुम्हारे सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है। अपने सॉल्यूशन को देखकर और क्वेश्चन के बारे में सोचकर फिर उसको करो, यही तुम्हारी प्रैक्टिस है।
यही तुम्हारी प्रैक्टिस है, करके देखो, यही तुम्हारी प्रैक्टिस है। आपने 10 क्वेश्चन ऐसे करे, 10 क्वेश्चन तुमने क्या करा, देख देख के सॉल्व कर लिए। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, भागना मत, कहीं तुमने ये सोचा मुझे तो सॉल्व करने हैं, नहीं। अगर तुम ये सोचोगे मुझे सॉल्व करने हैं, तो फिर तो तुम अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। यहां पर तुम सीखने थोड़ी आए हो, तुम तो सॉल्व करने आए हो। नहीं, इस फील के साथ बैठना कि सीखने आया, तो आराम से करो, धीरे धीरे करो, सोच कर करो, देख कर करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को जीरो मानो और एक एक स्टेप बिल्कुल आराम से सोच कर, दिमाग का यूज ज्यादा करना है, बस सॉल्व नहीं करने। 10 क्वेश्चन कर लिए, मेरे कहने से उन 10 क्वेश्चन को एज इट इज छोड़ दो। उन 10 क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास रिफ्रेशर तो होंगी ना, जैसे कि ये एबीसी आती है, जैसे प्रदीप आती है, जैसे पांडे की आती है, जैसे वर्मा साहब की आती है, दुनिया भर के क्वेश्चन आते, मटेरियल आते हैं, वो तो आएंगे। उन टॉपिक से रिलेटेड उस मटेरियल के 10 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूं 2 सॉल्व हो जाएंगे, खुशी मनाना। वो जो 2 सॉल्व हुए है ना, आने वाले समय में वो जो 2 सॉल्व करने की शक्ति तुम में जागी है ना, 10-15 दिन बाद तुम सारे खुद से सोचने लग जाओगे कि इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट मैंने देखा था, अब मैं ये लगा सकता हूं। इसी को कहते हैं ट्रेनिंग, समझ आया? और ये मजाक लग रहा होगा कि भाई ये तो देख के सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत बड़ा फैक्ट है। आप इतना करो, मैं गारंटी ले रहा हूं 15 दिन बाद तुमको ये समझ में आने लग जाएगा तुम्हें करना क्या है। सच बोल रहा हूं मैं, ये बहुत बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि तुम लोगों को ये समझ में आना चाहिए, ठीक है?